इस वीडियो में हम बात करेंगे 1995 की फिल्म ऑल थिंग्स फेयर के बारे में, जो कहानी है स्टीग नाम के लड़के और उसकी टीचर वियोला की और उनके एक ऐसे रिश्ते की जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान स्वीडिश शहर मालमो के एक स्कूल में स्टीग नाम का 15 साल का लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। वो अपने परिवार के साथ कुछ सालों पहले स्टॉकहोम छोड़कर मालमो आया था। उसके स्कूल में वियोला नाम की एक नई टीचर आई, जिसके आने से हर कोई खुश था। स्टीग उस उम्र से गुजर रहा था जिस उम्र में लड़के शैतानियां करते हैं और दूसरी लड़कियों की बातें करते हैं, और ऐसा ही कुछ करते हुए स्टीग को वियोला ने देख लिया। उसने क्लास के सामने उससे कुछ नहीं कहा, पर क्लास के बाद उसे रोककर उसने सजा दी। सजा के तौर पर उसने स्टीग को साफ सफाई करने का काम दिया और उससे वो नोट मांगा जो क्लास के दौरान वो दूसरे बच्चों को दे रहा था। सजा पूरी करते हुए अचानक स्टीग को एहसास हुआ कि वो वियोला की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वियोला भी ये बात समझ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। स्टीग अपने बड़े भाई सीगे के घर आने का इंतजार कर रहा था, जो कि एक बॉक्सर है और जल्द ही आर्मी ड्यूटी के लिए जाने वाला है। स्टीग हर शाम एक मूवी थिएटर में काम करने जाया करता है, पर उसके देर से आने की आदत से थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट परेशान था। स्टीग के पड़ोस में रह रही लड़की लिजबेथ उसे पसंद करती है और हर वक्त उस पर नजर रखती है, पर स्टीग इस बात से अनजान था। वो स्टीग को इम्प्रेस करने के लिए स्टॉकहोम में बोली जाने वाली भाषा भी सीखने लगी। एक रात थिएटर में स्टीग के सामने सीगे आ गया, जो अगले ही दिन ड्यूटी के लिए जाने वाला है, और अपने भाई के साथ कुछ वक्त बिताकर स्टीग को खुशी मिली। अगले दिन स्टीग डिक्शनरी को समझने के बहाने वियोला से बातें करने लगा और वियोला की डिक्शनरी देखने के बहाने वो उसके करीब जाने लगा। वो हर वक्त अब सिर्फ वियोला के बारे में सोचता रहता था और धीरे धीरे वियोला को भी स्टीग के इरादे समझ आने लगे। सिर्फ स्कूल नहीं, स्टीग वियोला के घर के पास भी जाने लगा और उसकी हरकतें वियोला के अलावा दूसरे बच्चों को भी नजर आने लगी। कई दिनों तक यही चलता रहा और फिर एक दिन स्टीग को वो मिल गया जो वो चाहता था। वियोला और स्टीग का अफेयर शुरू हो गया और वो दूसरों की नजरों से बचते हुए स्कूल में मिलने लगे। इतना ही नहीं, स्टीग अपने दोस्तों को छोड़कर वियोला से मिलने उसके घर जाने लगा और वियोला ने उसे समझाया कि वो घर में तब ना आए जब उसका पति वहाँ हो। एक दिन स्टीग वियोला के घर में वक्त बिता रहा था कि तभी वहाँ वियोला का पति फ्रैंक आ गया। पहले तो स्टीग उससे छुपने लगा, पर जब वो फ्रैंक के सामने आ गया तो उसे सिर्फ एक स्टूडेंट समझकर फ्रैंक ये सोचने लगा कि वो ट्यूशन्स के लिए वहाँ आया है, और ये जानकर कि फ्रैंक को सच्चाई का पता नहीं चला, वियोला ने भी राहत की सांस ली। बिना किसी की नजरों में आए उन दोनों ने अपने अफेयर को जारी रखा और वो दोनों सब कुछ भुलाकर सिर्फ एक दूसरे पर ध्यान देने लगे। वियोला स्टीग को अपने दिल की वो बातें बताने लगी जो वो किसी से नहीं कहती। कुछ दिनों बाद सीगे के बॉक्सिंग मैच की रात आई और थिएटर का काम पूरा होते ही स्टीग वो मैच देखने चला गया। वो सीगे को जीतते हुए देख रहा था और मैच जीतने पर सीगे अपने भाई के साथ घर वापस आ गया। हर रात की तरह उन्हें अपने पिता के खर्राटे उस रात भी सुनने पड़ रहे थे और उन खर्राटों से परेशान होकर देर रात स्टीग वियोला के घर चला गया। वो सोई हुई वियोला के पास तो गया, पर जब उसे पता चला कि फ्रैंक वहाँ मौजूद है तो वो भागने लगा। फ्रैंक ने उस वक्त भी उसे देख तो लिया, पर नींद में वो कुछ भी समझ नहीं पाया। एक तरफ जहाँ उन दोनों का रिश्ता गहरा होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लिजबेथ अब भी स्टॉकहोम की भाषा सीख रही थी। कुछ दिनों बाद वियोला के जन्मदिन पर स्टीग उससे मिलने गया और फिर से उसके सामने फ्रैंक आ गया। उस वक्त फ्रैंक और स्टीग के बीच बातें शुरू हो गई और बातों बातों में उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। स्टीग फ्रैंक के साथ उन गानों की बातें कर पा रहा था जिनके बारे में बात करने की इजाजत उसे घर पर नहीं मिलती, पर इस नई दोस्ती के बावजूद स्टीग ने अपने अफेयर को नहीं रोका। जब फ्रैंक घर में ना होता तो स्टीग वियोला के पास रहता, और जब वो घर लौट कर आता तो फ्रैंक और स्टीग एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। स्टीग को एहसास हुआ कि फ्रैंक चाहे दिल का अच्छा हो, पर वो हद से ज्यादा शराब पीता है। कुछ दिनों बाद स्टीग फ्रैंक का दिया हुआ म्यूजिक अपने घर ले गया और अपनी माँ को वो गाने सुनाने लगा, पर कुछ देर बाद उसके पिता ने उसे ऐसे गाने सुनने से रोक दिया और गुस्से में स्टीग अपने पिता से लड़ने लगा। कुछ दिनों बाद फ्रैंक ने स्टीग को अपने घर में देख लिया और उसे अपनी पत्नी के अफेयर का सच पता चल गया, पर उसने स्टीग से कोई सफाई नहीं मांगी। फ्रैंक ने बताया कि वो हमेशा से उनके अफेयर के बारे में जानता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सालों पहले उससे एक गलती हुई थी। उसने बताया कि शादी के एक हफ्ते बाद ही उसका एक औरत के साथ अफेयर शुरू हो गया था और फ्रैंक की उस गलती ने उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी।
तब से वियोला और फ्रैंक का रिश्ता खत्म सा हो गया है और फ्रैंक ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सीगे अपने भाई को सबमरीन से चिट्ठियां भेजा करता था जिसमें लिखी बातें एक ऐसे कोड लैंग्वेज में थी जो सिर्फ स्टीक और सीगे को समझ आती थी। फ्रैंक भी स्टीक से म्यूजिक के जरिए बातें करने लगा और चाहे वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें ना करते हों, म्यूजिक के जरिए वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। स्टीक अब फ्रैंक को संभालने लगा था और स्टीक की ही मदद से फ्रैंक ने शराब छोड़ने का फैसला लिया। फ्रैंक अब एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा था और ये बदलाव वियोला को भी नजर आने लगा। कुछ दिनों बाद लिज़बेथ का परिवार स्टीक के परिवार के साथ एक पार्टी मना रहा था और तब मौका देखकर लिज़बेथ स्टीक को अपने घर ले गई और उसके करीब आने की कोशिश करने लगी, पर जब स्टीक ने उसके इरादों को ठुकराया तो उसका दिल टूट गया। स्टीक अब समझ नहीं पा रहा था कि वियोला फ्रैंक के साथ रहती क्यों है। वियोला ने समझाया कि चाहे वो उससे प्यार ना करती हो, पर वियोला के चले जाने से फ्रैंक शराब में अपनी जिंदगी डुबा देगा। फ्रैंक ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। उसने बताया कि अमेरिका में नायलॉन के प्रोडक्शन के खिलाफ दंगे हो रहे हैं और क्योंकि वो खुद भी नायलॉन के कपड़े बनाता है, उसका काम बंद हो सकता है। उसे इस हाल में देखकर स्टीक को पछतावा होने लगा और वो फ्रैंक को नए काम के बारे में सोचने के लिए कहने लगा। उस वक्त 15 साल का स्टीक फ्रैंक से ज्यादा समझदार साबित हो रहा था। जिस वक्त वो टूटे हुए फ्रैंक को संभाल रहा था, उसी वक्त वियोला उसे अपने पास बुला रही थी और स्टीक ये नहीं समझ पाया कि उसे उन दोनों में से किसको चुनना चाहिए। आखिरकार उसने सही फैसला लिया और वियोला को छोड़कर वो उस घर से बाहर चला गया, पर ये बात वियोला को अच्छी नहीं लगी। स्टीक धीरे धीरे वियोला को अपने से दूर करने लगा, पर वियोला उसे अपने करीब लाने की हर कोशिश में लगी थी। परेशान होकर वो क्लास से बाहर चला गया और लिज़बेथ से बात करने की कोशिश में वो गर्ल्स लॉकर रूम में जाकर छिप गया। जब उसने लिज़बेथ को अपने पास बुलाया तो लिज़बेथ ने भी अपनी नाराजगी भुला दी। कोई नहीं जानता था कि वो दोनों जिम के सामान में छिपे बैठे हैं और घंटों तक उन्हें वही छिपे रहना पड़ा। उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई, पर लिज़बेथ नहीं जानती थी कि स्टीक का इरादा सिर्फ वियोला से दूर जाने का है। कुछ दिनों बाद अपनी माँ से बातें करते वक्त स्टीक ने रेडियो पर एक सबमरीन पर हुए हमले के बारे में सुना और सीगे की भेजी चिट्ठी पढ़कर उसे पता चला कि उसी सबमरीन में सीगे मौजूद था। वो अपने भाई की मौत की खबर से परेशान हो गया, पर उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अगले ही दिन एक टेलीग्राम आया जिसमें सीगे की मौत की ऑफिशियल खबर आई, पर वो टेलीग्राम भी स्टीक ने अपने माता पिता को नहीं दिया। वो अपनी माँ से सच्चाई छुपाने की हर कोशिश करने लगा, पर आखिरकार उसकी माँ को सच का पता चल गया। कई दिनों तक स्टीक से दूर रहने से वियोला परेशान हो गई और एक रात वो उससे मिलने थिएटर चली गई। लिज़बेथ भी उस रात थिएटर में ही मौजूद थी और जब वो स्टीक को ढूंढने लगी तो उसने वियोला और स्टीक को साथ देख लिया। स्टीक उससे माफी मांगने लगा, पर उसके इस भद्दे राज की माफी लिज़बेथ उसे दे नहीं पाई। अपने इस अफेयर को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से स्टीक वियोला के घर गया, पर उसने देखा कि वियोला शराब के नशे में डूबी हुई है। जिस रात से लिज़बेथ को सच्चाई का पता चला है, उस रात से वियोला परेशान हो गई है। स्टीक उसे पागलों जैसी हरकत करने से रोकता रहा, पर वो रुकी नहीं और ना चाहते हुए भी स्टीक को अपना अफेयर जारी रखना पड़ा। एक दिन स्कूल के बाद वियोला ने स्टीक को बताया कि वो उसे फेल कर रही है क्योंकि उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की, पर स्टीक जानता था कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि स्टीक उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है। इस बात से स्टीक अपना आपा खोने लगा और जब वियोला उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करने लगी, उसने ठान लिया कि वो उसकी सच्चाई सबको बताएगा। प्रिंसिपल ने स्टीक को बताया कि उसे एक साल रिपीट करना होगा क्योंकि वो फेल हो गया है। यह जानकर वो वियोला की ग्रेड बुक ढूंढने लगा, पर उस बुक को देखकर उसे पता चला कि वियोला ने वो सारे पन्ने फाड़ दिए हैं जिनमें स्टीक के मार्क्स लिखे थे और वो ये दिखा रही थी कि स्टीक कभी स्कूल आया ही नहीं। स्टीक बिना वक्त गवाए फ्रैंक के पास गया और उससे मदद मांगने लगा। वो चाहता था कि वियोला से बात करके वो स्टीक का भविष्य बर्बाद होने से रोक दे, पर फ्रैंक उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल स्टीक से उसके भाई की मौत के बारे में बात करने आए। ठीक उस वक्त स्कूल के पास एक प्लेन आया जिसे देखकर सारे बच्चे हैरान हो गए। उस प्लेन ने बच्चों पर गैसोलीन फेंका और एक बच्चे के वहां आग लगाने से कुछ बच्चे घायल हो गए। सीगे की मौत ने स्टीक को पूरी तरह बदल दिया था और ये बात प्रोजेक्शनिस्ट भी समझ गया। सैकड़ों बार सबमरीन की वही रील देखने के बाद आखिरकार प्रोजेक्शनिस्ट स्टीक को वहां से बाहर ले गया और किसी तरह स्टीक अपने आप को संभाल पाया। सीगे और दूसरे सिपाहियों को सम्मान दिया गया और उनके इस फ्यूनरल पर सबके परिवार वाले वहां मौजूद थे।
स्टीग की माँ उसके अफेयर के सच से अनजान थी और इसलिए ये सोच रही थी कि स्टीग इसीलिए फेल हुआ है क्योंकि वो रात को थिएटर में काम करता था। वो अपने आप को दोष दे रही थी क्योंकि उन्हें लगा स्टीग घर के हालातों की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। पर फिर उन्हें शक हुआ कि एक राज है जो स्टीग उनसे छुपा रहा है, और तब स्टीग ने कहा कि वो सच उन्हें तब बताएगा जब कुछ सालों बाद वो उम्र में बड़ा हो जाएगा। अपने माता पिता को स्टीग संभालने लगा और कुछ दिनों बाद उसके स्कूल में एक सेरेमनी हुई जहां बच्चों को उनके रिपोर्ट्स दिए जा रहे थे। इस सेरेमनी के बीच स्टीग वियोला के पास गया और सबके सामने उसे शर्मिंदा करके वो बिना रिपोर्ट लिए वहां से चला गया। इस हरकत ने वियोला को बुरी तरह परेशान कर दिया और अंत में चोरी छिपे स्कूल में घुसकर स्टीग ने वो डिक्शनरीज चुरा ली जो वियोला के डेस्क में रखी हुई थी, और एक साल रिपीट करने के लिए स्टीग तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।